हमारे ही कंसेप्ट और हमारे ही ये सब लेके लोग आज बड़े कॉपी करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग आए हैं कमला नगर में। कमला नगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका कभी ना कभी कमला नगर में आना हुआ ही होगा। या तो आप शॉपिंग के लिए आए होंगे, या तो खुद शॉपिंग करने आए होंगे, या किसी को शॉपिंग कराने लाए होंगे, या अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो आप कमला नगर में या तो खाने पीने आए होंगे या किताबें लेने आए होंगे। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे खाना खाने। हमारी फूड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट जो ये वाला है, इसमें हम लोग खाएंगे छोले भटूरे। टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, चार चार अलग अलग टाइप के छोले भटूरे खाने वाले हैं। चारों आसपास ही है, 2-3 किलोमीटर के रेडियस में है और एक से बढ़कर एक है। चाचे दी हट्टी, ओम दी हट्टी, बिल्ले दी हट्टी, रावल पिंडी वाला। मज़ा आ जाएगा इस वीडियो में। आप वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपको 3-4 मैं आउटलेट्स जो भी डालता हूँ आपको देखेंगे। वीडियो एंड तक देखेंगे आपको सारे छोले भटूरे बताऊँगा कैसा है, सबका टेस्ट बताऊँगा, प्राइजेस बताऊँगा और दिखाऊँगा कैसा एक्सपीरियंस है। तो चलो चलते हैं, पहले कमला नगर में थोड़ी सी काम कर लेते हैं एक दो और उसके बाद आराम से पेट पूजा करेंगे मस्त। चलो आ जाओ। वीडियो शुरू करते हैं और खाना खाना स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो गाइस अभी हम लोगों ने हाफ प्लेट छोले भटूरे लिए क्योंकि अभी हम लोग चार जगह जाके खाएंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो यहाँ के जो छोले भटूरे मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पतले वाले जो छोले आते हैं ना, पिंडी चना, उसके जैसे इनका थोड़ा सा अपीयरेंस है और भटूरे इतने ज़्यादा फ्लफी नहीं है बट एकदम फ्राइड हो रखे हैं और इनकी चटनी भी थोड़ी सी अलग इसका टेस्ट होता है। बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं खाना और देखते हैं इनका कैसा टेस्ट है। हाफ प्लेट आती है 30 रुपीज़ की और फुल प्लेट आती है 55 रुपीज़ की, विद आलू वाली और विदाउट आलू वाली आती है 50 रुपीज़ की। यहाँ पे छोले कुलचे भी मिलते हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो भी छोले भटूरे मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में, वो पहले खा चुका हूँ तो मेरे को काफ़ी एक अच्छा आइडिया कि किसमें क्या अलग है क्या नहीं है। तो इनके जो छोले हैं वो काफ़ी छोटे से हैं और इनका फ्लेवर जो है काफ़ी माइल्ड है, इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और इनकी जो चटनी है वो काफ़ी ज़्यादा खट्टी खट्टी सी है और उसका छोलों के साथ उसको अगर आप डाल के खाओ मिक्स करके, जो ये ऐसे ही देते हैं आपको, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इनके भटूरे भी जो हैं फ्राइड है पर इतने ज़्यादा फ्लफी नहीं है तो इतने हैवी नहीं लगते आपको। और अंदर भटूरे के मैं आपको दिखाऊंगा, स्टफिंग हो रखी है अच्छे से जिसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है मेरे को ये। बट इनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन हुई है। भाई आप अपना नाम बताएंगे? गौरव भैया। ये गौरव जी कितना टाइम हो गया इस जगह को? 57 से। और क्या क्या मिलता है यहाँ पे? सिर्फ भटूरे और कुलचे, छोले भटूरे, छोले कुलचे, छोले भटूरे, छोले कुलचे। हाँ जी। और क्या टाइमिंग रहते हैं आपके? 10 से 3 संडे हो। बताना काबुली चने में क्या फ़र्क होता है नॉर्मल चने से? क्या छोटे रहते हैं क्या रहते हैं? थोड़ा साइज छोटा होता है भैया, टेस्ट में फ़र्क होता है, टेस्ट में फ़र्क होता है। और ये आपकी जो चटनी होती है कौन सी, खट्टी मीठी चटनी होती है? धनिया पुदीने की होती है। धनिया पुदीने की होती लोकेशन कहाँ पे होने वाली है? हम लोग जाने वाले हैं रावल पिंडी, चलते हैं। तो गाइस अभी आए हैं हम लोग अपनी सेकंड लोकेशन पे जो है मलखागंज में, हंसराज कॉलेज के जस्ट ऑपोजिट, जिसका नाम है रावल पिंडी छोले भटूरे वाला। तो
इसका कॉन्सेप्ट और चाचे दी हट्टी का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, दोनों सेम काबुली चने देते हैं और दोनों की सेम ऑलमोस्ट मेन्यू भी सबका सेम है, वो भी छोले कुलचे देते हैं, ये भी छोले कुलचे देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ जो अलग है कि वहाँ पे आपको सिर्फ आलू वाले स्टफ्ड वाले भटूरे मिलते हैं, यहाँ पे आपको आलू और पनीर दोनों मिलते हैं। तो लस्सी तो दोनों जगह नहीं मिली हमें, तो लस्सी पीने के लिए हम लोगों को एक और जगह जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक आलू वाला लेंगे और एक पनीर वाला भटूरा लेंगे, दोनों आपको बताएंगे कैसा टेस्ट है दोनों का। तो आ जाओ। पनीर वाला और एक पीस आलू वाला करना। मेरे को एक आलू पनीर तो खाने की है। तो गाइज हमारे छोले भटूरे आ गए हैं, एक आलू वाला एक पनीर वाला और साथ में काबुली चने, खा के देखते हैं कैसे हैं। तो मैं आपको अभी पहले दिखाता हूँ अंदर से दोनों में स्टफिंग कैसी है, और छोले का कलर तो आप देख ही सकते हैं एकदम। ये काबुली चने जो होते हैं ये एकदम छोटा इनका साइज़ होता है और टेस्ट में भी काफ़ी इनका फ़र्क होता है। और अब बहुत गर्म है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पनीर के बहुत ज़्यादा चंक्स हैं, मतलब एकदम पनीर ऐसे गार्लिक जैसा लग रहा है इसके अंदर, भटूरे के अंदर अच्छी स्टफिंग हो रखी है पनीर की। और यहाँ आलू की तो एकदम मैश्ड वाली ग्रेवी टाइप से डाली हुई है, और यहाँ पे भी वही धनिया की चटनी मिक्स करके काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको खाते हैं। और ये आलू वाला लिया मैंने। और अब ये पनीर वाला खाएंगे। तो जो पनीर वाला है वो ठीक है, इतना ख़ास नहीं है, पर जो आलू वाला है वो काफ़ी अच्छा है। छोलों का स्वाद जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों ने अभी जस्ट इससे पहले अभी चाचे के भटूरे खाए, सेम कॉन्सेप्ट है बट उससे अच्छा लगता है मुझे। तो अभी थोड़ा एक दो लोगों से भी पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है। जी आप अभी कौन सा खा रहे हैं भटूरा? आलू का खा रहे हैं। तो आपको आपने चाचा का खा रखे हैं? नहीं मैं तो यहीं खाता हूँ। यहीं खाते हैं। तो क्या पसंद आता है आपको यहाँ पे? दोनों चीज़ अच्छी है, छोले भटूरा भी अच्छा है। पनीर वाला खाते हैं आलू वाला खाते हैं? आलू वाला इनके फेमस आलू वाले हैं। तो जैसे आपने देखा लोगों को भी आलू वाले पसंद आ रहे हैं, मेरे को भी आलू वाले पसंद आए। तो चलते हैं अंदर जाके, थोड़ा दिखाते हैं आपको छोले वोले कैसे बन रहे हैं, भटूरे कैसे निकल रहे हैं, और थोड़ा ओनर से बात करते हैं, और उसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, वहाँ जाके लस्सी पियेंगे। क्योंकि अभी दो जगह हम लोगों ने छोले भटूरे खा लिए और लस्सी नहीं मिली, और एक पंजाबी को जब तक छोले भटूरे के साथ लस्सी नहीं मिलती उसका खाना हजम नहीं होता। चलते हैं अगली जगह पर। को कितना टाइम हो गया? 1954 से है। 1954 से। तो क्या क्या आपका शॉप पे रहता है? छोले भटूरे, छोले कुलचे। छोले भटूरे और छोले कुलचे रहते हैं। तो क्या प्राइस रहता है इनका? भैया पनीर वाले 60, आलू वाले 50, प्लेन वाले 45, और कुलचे 35। अच्छा, और टाइमिंग क्या रहते हैं आपके? सुबह 8 बजे से 3:30। अच्छा, और इस दुकान का नाम राहुल पिंडी कैसे पड़ा? ये दादाजी वालों वहीं से है जी। अच्छा, यही काम था। अच्छा, वहाँ पे छोले भटूरे गए तो स्टार्टिंग से वही। तो ये काबुली चने थोड़ा सा बताएंगे कि अलग होता है, इसमें क्या फर्क रहता है टेस्ट का? काबुली चने तो बारीक होती है। अच्छा, बारीक होते हैं। तो उनमें टेस्ट का क्या, थोड़ा दरदरा सा टेस्ट आता क्या? जी। अच्छा, तो और आपकी ये जो चटनी रहती है पुदीना धनिया की? पुदीना धनिया, हरी मिर्चे और मुकसर। हाँ, इसके और अनारदाना। अच्छा,
तो गाइस अभी हम लोग आए हैं बिले दी हट्टी पे, और बिले दी हट्टी पे आप लोगों को छोले भटूरे नहीं मिलेंगे, बट उसकी एक तरीके की रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, छोले पूड़ी। तो बेसिकली कोई भी अगर आप पंजाबी ब्रेकफास्ट के बारे में सोचो तो आपके दिमाग में चार पांच चीज़ें आती है। एक छोले भटूरे ऑब्वियसली, दूसरी छोले पूड़ी, तीसरे पराठे, चौथे अमृतसरी नान, और पांचवे अमृतसरी कुलचे। तो आज हम लोग छोले भटूरे और छोले पूड़ी पे एकदम हार्ड जा रहे हैं, और साथ में हम लोगों ने मंगवाई है लस्सी। और ये आप देख सकते हैं, लस्सी में इतना बड़ा मलाई की एक परत डाली हुई है। ओए होए, इसको भी पियेंगे। और मैं आपको ये दिखा दूँ, ये है इनकी पूड़ी, सिंगल पीस ही मंगवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों को खाना हो जाता, वरना इतना खा नहीं पाते हम लोग। दो चीज़ें इनके बारे में आपको मैं बताऊँ, एक तो इनका जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सिर्फ छोले पूड़ी मिलते हैं, छोले भटूरे नहीं मिलते। और दूसरा जो है कि ये जो है जगह, मोस्टली आप सुबह के टाइम पे आएंगे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे अराउंड 7-8 बजे के आसपास, तब एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। अभी आज थोड़ी सी अभी कम भीड़ है क्योंकि हम लोग आए हैं थोड़ा 2-2.5 बजे के आसपास टाइम पे आया। और यहाँ पे जो एक और अलग चीज़ मेरे को देखने को मिली है, जो चटनी है इनकी, मेथी जाने वाली चटनी, वो काफ़ी अलग है क्योंकि ऑब्वियसली भटूरा नहीं है, पूड़ी है। तो बहुत ज़्यादा अभी हम लोगों ने बातें कर लिया, बिना किसी देर के खाना स्टार्ट करते हैं। बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। छोले मैं आपको पहले दिखाता हूँ कैसे इनके, आप ये देखिए छोले इनके। तो ये मेरे को तो एक तरीके से ये भी काबुली चने ही लग रहे हैं, वही जैसे हम लोगों ने अभी रावल पिंडी पे खाए थे और हम लोगों ने चाचे दी हट्टी पे खाए थे। तो ये भी मेरे को काबुली चने लग रहे हैं। थोड़ी सी प्रिपरेशन अलग है बिकॉज ये पूड़ी के साथ मिल रहे हैं, तो ये इनमें थोड़ी सी ग्रेवी वाले हैं, वो थोड़े से ड्राई थे। और ये आलू का पीस इसके अंदर, हम इसकी बाइट लेते हैं। अच्छा, आप पूड़ी भी देखिए, पूड़ी एकदम फ्लफी सी है, बहुत लाइट सी पूड़ी है। इवन देखने में भी तेल थोड़ा सा आ रहा है मेरे हाथ में, बट इतना ज़्यादा नहीं आ रहा। पूड़ी अंदर से बिल्कुल एकदम ब्लैंक है, पूड़ी के अंदर कुछ स्टफिंग वफिंग नहीं हो रखी, नॉर्मल पूड़ी जैसे होती है आपकी वैसे है। थोड़े से हम छोले लेते हैं, देखिए, और इसको भी खाएंगे। ये छोले, जो छोले पूड़ी हैं, काफ़ी इनका अच्छा टेस्ट है। थोड़े ग्रेवी वाले छोले हैं, तो इनका जैसे आप बाहर कहीं छोले चावल खाने जाते हैं, जो वैसे छोले आपको मिलते हैं, इनका थोड़ा वैसा टेस्ट है ग्रेवी वाले छोले जैसे। पूड़ी इनकी काफ़ी लाइट है, आप आराम से दो पीस पूड़ी आप आराम से खा सकते हैं, आपको कुछ इतना ज़्यादा हैवी सा नहीं लगेगा। जो हम लास्ट लोकेशन पर जाएंगे अभी, वहाँ पे जाके आपको एक प्लेट छोले भटूरे खाने में बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा, आपका पेट एकदम भर सा जाएगा। तो ये अभी जो हम लोगों ने अभी तक 3 प्लेसेस कवर करी है, वो बहुत ज़्यादा लाइट है, इन टर्म्स ऑफ आपको हैवी नहीं लगेगा। और छोले भटूरे की वीडियो बना रहे हैं और लस्सी नहीं हो, कैसे हो सकता है। तो अभी ये लस्सी का ग्लास बहुत बड़ा है, आपने अभी इनकी देखी, इनकी मलाई की कितनी मोटी परत थी लस्सी में, और लस्सी भी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है। अब लस्सी पीते हैं, देखते हैं लस्सी कैसी है। लस्सी पी के मेरे को एकदम नींद आ जाती है। अब देखते हैं मैं लास्ट लोकेशन पे कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि अभी से थोड़ा सा लस्सी पी के थोड़ी सी नींद आ जाती है, बट काफ़ी अच्छी गाढ़ी लस्सी है, एकदम एप्ट स्वीट है, ज़्यादा स्वीट नहीं है। और छोले पूड़े भी काफ़ी पसंद आए मुझे, इनके रेट थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव है बाकी आसपास की जगहों के, बट उसके अंदर आपको एक अंदर इंडोर सीटिंग मिलती है जैसे आप देख सकते हैं अभी आसपास। और इनकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी रिलेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा हाइजीनिक एक तरीके से मैं कहूँगा, इतनी ज़्यादा नहीं बट रिलेटिवली है। अमित मनचंदा, अमित जी कौन सी जगह है आज, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। ये कमला नगर है। हाँ, ये हमारी मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड शॉप है, हमारे ग्रैंडफादर ने शुरू करी थी। और हमारी स्पेशलिटी है छोले पूड़ी और लस्सी, और हलवा। इसके अलावा भी और कुछ कुछ मिलता है? नहीं, बेसिकली यही है। उसके बाद इवनिंग में समोसा वगैरह होता है, बट बेसिकली पूड़ी छोले ब्रेकफास्ट के लिए
सुबह मोस्टली लोग यहीं पर आते हैं तक आपको मिल जाएगा लास्ट और सुबह 7 बजे से आपको मिल जाएगा। अच्छा, हमारे ही कंसेप्ट और हमारे ये सब लेके लोग आज बड़े कॉपी करते हैं, हमारे टेस्ट हमारे फ्लेवर्स हमारे कॉम्बिनेशन को लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अगर आप अगर यहाँ पे आएंगे खाएंगे तो आप फिर कभी ट्रैवल करें कहीं जाएंगे तो आप देखेंगे यार ये तो मैंने वहाँ से लगता है उन्होंने मतलब कॉपी करा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। नेक्स्ट लोकेशन होने वाली है एकदम बढ़िया और वो जो छोले भटूरे हैं वो मेरे एक तरीके से कहूँगा दिल्ली में मेरे वो वन ऑफ द फेवरेट भटूरा सा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो सबसे एंड पे। बाय। तो गाइस दिन की आज आखिरी लोकेशन पे आ गए हैं और ये इस जगह का नाम है ओम दी हट्टी। ये है कमला नगर में गोल चक्कर के सामने और आज की जो भी हम लोगों ने जगह पे गए हैं उन लोगों उन सब जगहों के लोकेशन लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे आके खा सकते हैं। और बिना किसी टाइम वेस्ट करें हम लोग अंदर चलते हैं और इनके दिखाते हैं आपको छोले भटूरे कैसे हैं। फटाफट चलो अंदर आ जाओ। तो ये आप इनके देख सकते हैं, ये इनके छोले हैं और ये इनके भटूरे। और इनके जो छोले हैं उनका आप एकदम कलर देखिए एकदम ब्लैक है। इनसे पूछेंगे इसका कलर इतना ब्लैक कैसे हैं। और इनके आलू भी आप देखेंगे एकदम स्पाइसी आलू है, आलू भी मसालेदार है एकदम। और ऊपर से जिंजर जूलेंस डले हुए हैं एकदम लंबे लंबे कटे हुए जिंजर अदरक के पीसेस और आमले का अचार और चटनी इनकी। मैं यहाँ पे आते रहता हूँ, मेरे को ये छोले बहुत पसंद है तो मैं क्या करता हूँ ये जो इनकी चटनी होती है वो छोले पे डाल के खाता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है। तो वो अभी पहले हम लोग कर लेते हैं, अच्छा करते हैं थोड़ी सी हम लोग ये चटनी लेते हैं और छोले पे गिर देते हैं, उससे काफ़ी अच्छा एक छोलों का टेस्ट आता है। और मैं आपको पहले इनका भटूरा दिखाता हूँ, पनीर वाले भटूरे होते हैं जैसे भटूरे आप मोस्टली खाते हैं कहीं पे भी। जैसे भटूरे आप कहीं पे भी मोस्टली खाते हैं कहीं पे भी हल्दीराम्स वगैरह या आप कहीं पे भी अपने घर के पास खाते होंगे पनीर वाले भटूरे मिलते हैं मोस्टली। कुछ ज़्यादा इसमें इतना स्पेशल नहीं है, बेसिकली जो स्पेशल है इनके वो है इनके छोले जो एकदम ही ज़्यादा गाढ़े हैं, इतना अच्छा फ्लेवर है, मसालेदार हैं, स्पाइसी हैं। और भटूरे इनके आप बहुत फ्लफ़ी हैं, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खमीर आया हुआ है इन भटूरों में, बहुत ही बढ़िया इनका मेरे को फ्लेवर प्रोफाइल लगता है। मैं तो यहाँ पर बहुत टाइम से आ रहा हूँ, बहुत टाइम से खा रहा हूँ, आज आप लोगों को भी खा के दिखाता हूँ, आप लोगों के साथ आज खाते हैं कैसा है इसका टेस्ट। और ये जितने भी दिल्ली 6 दिल्ली 7 की जगह हैं ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी जगह हैं तो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है यहाँ पे, अगर आप आगे शूट करने बैठे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि मैं आपको अभी अंदर भी दिखाऊंगा, यहाँ पे सिटिंग स्पेस नहीं है, स्टैंडिंग स्पेस आप खड़े होकर खा सकते हैं पर वो भी काफ़ी छोटी सी है। इनके छोले काफ़ी पसंद है मुझे, स्पेशली इनके आलू भी जो है ना एकदम मसालेदार है। आप यूजुअली जगह पर जाते हैं वहाँ पर आलू जो होते हैं इतने स्पाइसी नहीं होते, इतने उनमें आलू में एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला होता। असली मज़ा इनका आता है जब आप इसमें चटनी डाल के खाओ, चटनी से इसका जो और एकदम ना खटास सी आ जाती है। जैसे मैंने ये काले छोलों को ना एकदम ग्रीन ग्रीन बना दिया, इनका कलर ही चेंज कर दिया, पर इसमें ना एकदम खटास सी आ जाती है छोले में, आप देख सकते हैं। और मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इनके छोले, एकदम गाढ़ा गाढ़ा रंग होता है काला, उसमें आप चटनी डाल के खाओ बहुत मज़ा आता है। क्योंकि ये आखिरी लोकेशन है तो हम लोगों ने सोचा एक पूरा पूरा ग्लास लस्सी का पीते हैं क्योंकि घर जाके उसके बाद फैल जाएंगे पूरा सो जाएंगे, तो अब लस्सी इनके भी कहते हैं। तो यहाँ की लस्सी जो है काफ़ी अच्छी है, स्वीट है, बट बिल्ले दी लस्सी जो थी वो मुझे ज़्यादा गाढ़ी लगी थी। टेस्ट में सब कुछ सेम है बट थोड़ा अगर आपको गाढ़ी लस्सी के शौकीन हैं आप लोग तो आपको बिल्ले दी लस्सी ज़्यादा पसंद आएगी मेरे हिसाब से। बट इसके छोले भटूरे मेरी लिस्ट में तो एकदम टॉप पे आते हैं। रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 80 रुपीज़ हैं दो प्लेट भटूरे के लिए, कमला नगर के हिसाब से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है बट टोटली वर्थ इट। आप आओगे आपको पता चल जाएगा मेरे को क्यों पसंद आते हैं इतने। और एक रिकमेंडेशन है, जब भी आओ इसमें चटनी डाल के खाओ, मज़ा ही अलग आ जाएगा, वेजी भाजी को याद करोगे। नाम बताएंगे? पवन गुप्ता।
पवन जी थोड़ा सा इस जगह के बारे में बताएंगे, कौन सी जगह है ये? शक्ति नगर चौक है। शक्ति नगर चौक, और ये कौन सी? ओम दी हट्टी के नाम से चौक है। ओम दी हट्टी के नाम से। तो कितना टाइम हो गया? 6 ईयर हो गए इसको। 60 साल हो गए। तो क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे छोले चावल, छोले भटूरे, समोसे, कचौड़ी, गुलाब जामुन। छोले के साथ मिलता है? अच्छा। चाउमीन समोसे भी। अच्छा। और लस्सी है, नमकीन मीठी। अच्छा। हम एक अपना एक नया आउटलुक चालू कर रहे हैं, वेजिटेरियन। आपके छोले का कलर काफी गाढ़ा रहता है आपका। तो ये बनाने का अपना तरीका है। तो इसमें क्या मतलब आता है? रंग अपने आप धीरे धीरे पकता है। काबली चने रहते हैं? व्हाइट वाले जो अपने डॉलर चने। अच्छा, तो क्या रेट रहता है इनका? क्या रेट रहता है छोले भटूरे का? 65 रुपये प्लेट। 65 रुपये प्लेट। चावल 65 रुपये प्लेट। अच्छा। समोसे कचौड़ी 35 रुपये प्लेट। अच्छा। ब्रेड पकौड़ा है पनीर का सादा। तो आपका टाइमिंग क्या रहता है? सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। 7 बजे भी अगर कोई आए तो उसको छोले भटूरे मिलते हैं? तो पूरे दिन मतलब आप लगा लीजिए इस तरीके से रहते हैं? हाँ। अच्छा जी। और ये मतलब शक्ति नगर चौक पे है एकदम, वहीं पे दुकान रहती है? ठीक है। अम्बा सिनेमा वाली रोड पे। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करना कि आपको छोले भटूरे कैसे लगते हैं, क्योंकि मैं तो एक बहुत बड़ा छोले भटूरे फ़ैन हूँ, मुझे छोले भटूरे काफ़ी पसंद है। तो आपने मेरी छोले भटूरे की पुरानी 2 वीडियोस भी देखी होगी जिसको मैं ऊपर लिंक कर दूंगा, आप वो भी देखना। और आज तो हम लोगों ने कमाल मचा दिया, 4 अलग अलग जगह गए छोले भटूरे खाने, मज़ा आ गया। यूनिवर्सिटी एरिया में हमारी एक सीरीज़ चल रही है, फूड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी सीरीज़, जिसका लिंक भी मैं ऊपर दे दूंगा, आप वहाँ देखना। हमने एक अभी रिसेंटली मजनू का टीला सीरीज़ करी है, जो आपको अगर नहीं पता तो मोनेस्ट्री मार्केट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जस्ट पास में। दिल्ली यूनिवर्सिटी सीरीज़ में हमारे पास जो हडसन लेन में जो भी रेस्टोरेंट्स है, स्टूडेंट फ्रेंडली। मैं आपको थोड़ी अंदर की बात बताता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी सीरीज़ करने का मकसद क्या था हमारा। स्टूडेंट्स के लिए पॉकेट फ्रेंडली मील्स ला के दें आपको वेजिटेरियन। तो वहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी स्ट्रीट फूड है, जो भी कुछ भी उल्टा सीधा, जैसे तिब्बतन खाना खाया हम लोगों ने, नेपाली खाना खाया, सब पॉकेट फ्रेंडली, आपका बिल्कुल भी जेब नहीं फटेगी। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसी बहुत सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी सीरीज़ की वीडियोस, स्ट्रीट फूड की वीडियोस, फूड ट्रेल्स, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, बहुत कोलैबोरेशंस भी आने वाली है। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और नीचे कमेंट करना मत भूलना। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी तन्मय फ्रॉम वेजी बाजी साइनिंग ऑफ। 3, 2, 1, बाय।